संत तुलसीदास जी का जन्म भी यही तो हुआ था, बुंदेलखंड की भूमि है। और उस कालखंड में भी तुलसीदास जी ने, कहते ना एक बात सामने आती है कि एक बार उन्हें बादशाह के दरबार में बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वहां क्यों जाऊंगा। कहा रे राजा के पास चलिए आप। उन्होंने कहा देखो हमारे तो एक ही राजा और राम है, राम के अलावा हम किसी को राजा नहीं मानते। ये भगवान राम की ही कृपा है। इस बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे हुए संत के श्रीमुख से जो वाणी निकली और राम कथा के माध्यम से, वाल्मीकि के रामायण के माध्यम से और रामचरितमानस के माध्यम से, जन जन पर व्यासपीठ के माध्यम से पूज्य बापू के द्वारा पहुंचाई गई है, पहुंचाई जा रही है। और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अपनी चरमता की ओर बढ़ रहा है, और उस समय तो ललितपुर की धरती पर, ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर नहीं छोड़ियो, और आज बापू की कथा ललितपुर में ही विश्राम दे रही है। मतलब साफ है भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बहुत शीघ्र होने वाला है। लेकिन उसके अनुरूप हमें बनना होगा। राम राज्य का मतलब, भगवान राम के भव्य मंदिर का मतलब, भगवान राम के अनुरूप राष्ट्र का मंदिर जहां किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी के सामने अभाव ना हो, जहां किसी के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई के लिए कोई स्थान ना हो, ऐसी आदर्श व्यवस्था शासन केवल सहयोग कर सकता है, लेकिन समाज जब उसकी अगुवाई करेगा तो ऐसी आदर्श व्यवस्था भी भारत के अंदर वर्तमान में बन रही है। भाइयों बहनों, गरीबों के लिए मकान बन जाना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाओं का हो जाना, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में हर गरीब के लिए राशन की व्यवस्था भी तो सरकार के द्वारा की गई है, यही तो राम राज्य है। कोई भेदभाव तो नहीं हुआ ना। और बुंदेलखंड की तो जो सबसे बड़ी समस्या थी, मैं कल से आया हूं बुंदेलखंड में और मैं एक कार्य को देख रहा हूं जो बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक देखा था कि जो बुंदेलखंड की जनता जिसके लिए हमेशा तरसती थी, एक सपना देखती थी कि क्या कभी हमारे घर में भी पानी आ पाएगा, आज तो हर घर नल जल के माध्यम, हर घर जल के माध्यम से वो साकार हो रही है। कितना युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो रहा है, मैं कल से देख रहा हूं कुछ परियोजनाएं इसी जून में पूरी हो जाएंगी, कुछ अगस्त में पूरी होंगी, कुछ अक्टूबर में पूरी होंगी, कुछ नवंबर में पूरी होंगी, कुछ दिसंबर में तक पूरी होंगी, और दिसंबर तक हम लोग लगभग लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी घर तक पहुंचवा देंगे।